अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इंग्लिश लवर्स में आपको वेलकम करते हैं। और आज जो है वो हम आपसे 40 इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ एन एपिक। कि एपिक इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम दैट टेल्स अबाउट द एडवेंचर ऑफ हीरो हु रिफ्लेक्ट्स द आइडियाज एंड वैल्यूज ऑफ नेशन। एपिक एक किस्म का लॉन्ग नरेटिव फॉर्म ऑफ पोएम है जो एडवेंचर के बारे में बताता है हीरो के, जो रिफ्लेक्ट करता है उसके ख्याल को और उसके नेशन के वैल्यूज़ को। व्हाट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। अरिस्टो के दरमियान जो है ट्रेजेडी के कौन सा अहम एलिमेंट है, तो वो है प्लॉट। और जो है व्हाट इज़ स्टेसिमोन। स्टेसिमोन एक किस्म का कोरल सॉन्ग है जिसमें एना पेस्टिस और ट्रचिज नहीं होती। और सिडनी, व्हाट अकॉर्डिंग टू सिडनी के मुताबिक इज़ द एम ऑफ पोइट्री क्या है, कि वो है टू टीच एंड डिलाइट। हु इज़ स्टेफन गोसन। स्टेफन गोसन इज़ अ कैंटिश प्यूरिटन हु अटैक पोइट्री इन हिज बुक द स्कूल ऑफ अबोव्स। द व्हाट इज़ द मीन्ड बाय टर्म वेट्स। द टर्म वेट्स मीन्स डिवाइनर और फॉरसियर और अ प्रॉफिट। वेट्स टर्म की जो माना है वो है प्रॉफिट, पैगंबर या दूरंदेशी करने वाला। व्हाट इज़ द प्रीफेस टू शेक्सपियर। द बुक प्रीफेस टू शेक्सपियर इज़ अ क्रिटिकल वर्क बाय डॉक्टर सिमिल जॉनसन ऑन शेक्सपियर ड्रामा। ये शेक्सपियर के ड्रामा जो है उसका क्रिटिकल वर्क है जो सिमिल जॉनसन ने किया है। उसके बाद है वेयर डज जॉनसन ऑल शेक्सपियर पोइट ऑफ नेचर। जॉनसन ने शेक्सपियर को पोइट ऑफ नेचर क्यों कहा है, वो इसलिए कहा है क्योंकि वो अपने ड्रामाज में ह्यूमन लाइफ को प्रेजेंट करता था। हाउ डज कॉलरेज डिफाइन इमेजिनेशन। कॉलरेज ने इमेजिनेशन को कैसे डिफाइन किया है। इमेजिनेशन इज़ एन एक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड। ये एक ह्यूमन माइंड का एक्ट है इन विच डिफरेंट इमेजेस आर फ्यूज्ड एंड यूनिफाइड। इसमें बहुत सारी जो इमेजेस हैं ख्यालों में वो फ्यूज़ होती हैं और एक नई चीज़ बनती है। हु क्वाइंड द एक्सप्रेशन विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, तो वो है सिमिल टेलर कॉलरिज। हाउ डज अरिस्टोटल डिफाइन पोएट्री। अरिस्टोटल डिफाइंस पोएट्री एज अ काइंड ऑफ इमिटेशन। वाट इज ग्रीक वर्ड फॉर इमिटेशन। द ग्रीक वर्ड फॉर इमिटेशन इज मिमीसिस। वाट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी। ट्रेजिडी का सोल क्या है, वो है प्लॉट। याद रखना दोस्तों, पोएटिक्स में ये वर्ड यूज होता है। व्हाट इज़ रिवर्सल। अ रिवर्सल इज़ अ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ अफेयर्स टू इट्स अपोजिट। हाउ डज अरिस्टोटल डिफाइन एपिक। एपिक इज अ काइंड ऑफ पोएटिक इमिटेशन व्हिच इज़ नैरेटिव इन फॉर्म एंड व्हिच इम्प्लाइज अ सिंगल मीटर। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री गिवन बाय इट्स राइटर। तो इसका जो टाइटल है वो है सिडनी टाइटल्ड द बुक इन डिफेंस ऑफ पोएसी। वाट डज द वर्ड पोएट मीन। पोएट वर्ड की मतलब क्या है। द वर्ड पोएट मीन्स मेकर, बनाने वाला। हु इज सोफोक्लीस। सोफोक्लीस कौन है, द सेकंड ऑफ थ्री ग्रेट एटिक ट्रेजियन इन सोफोक्लीस हु रोट 90 ट्रेजडीज। सोफोक्लीस ने जो है वो 19 ट्रेजडीज लिखी है, 90 ट्रेजडीज इन विच ही प्रेजेंटेड ह्यूमन साइकोलॉजी, जिसमें उसने जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी को प्रेजेंट किया है अंडर फेट विथ सुपर ह्यूमन स्किल्स, और उसमें जो है वो सुपर ह्यूमन स्किल्स के साथ। व्हाट काइंड ऑफ क्रिटिक इज़ फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी किस टाइप किस्म का क्रिटिक था, तो वो क्लासिकल रोमांटिक क्रिटिक था हु इज़ जुडिशियल क्रिएटिव एंड ओरिजिनल। वो जुडिशियल क्रिएटिव और ओरिजिनल था। व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉनसन इज़ शेक्सपियर्स फर्स्ट फॉल्ट। जॉनसन के मुताबिक जो है वो शेक्सपियर का पहला फॉल्ट क्या था, तो जॉनसन के मुताबिक जो शेक्सपियर जो है वो सेक्रीफाइस इज वर्च्यू टू कॉन्विंसिस एंड इज़ मोर केयरफुल टू प्लीज देन टू इंस्ट्रक्ट। तो और व्हाट इज़ लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड क्या है, तो लिरिकल बैलेड जो है वो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज ने मिल के लिखे। और व्हाट इज़ बैलेड। बैलेड इज़ अ पोएम और अ सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजाज। ये किस्म का पोएम या सॉन्ग है जो स्टोरी जो है नरेट करता है छोटे छोटे स्टेंजाज में। व्हाट इज मीन्ड बाय मेट्रिकल कंपोजिशन। द मेट्रिकल कंपोजिशन मीन्स
पोएट्री एज इट इज़ रिटन इन मीटर. वाट इज ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी? इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ अ मैन टू रिसीव इम्प्रेशंस थ्रू द सेंसेस. वाट इज प्रो साइंस? द क्वालिटी ऑफ इन ऑर्डिनरी राइटिंग इन प्रोज लैकिंग इमेजिनेशन इज नोन एज प्रोजाइजम्स. हाउ इज पोएट्री कंपेयर टू ह्यूमन हार्ट? पोएट्री इज एज इमोर्टल एज द ह्यूमन हार्ट. हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन वर्ड्सवर्थ पोएटिक प्रोसेस? कितनी स्टेजेस हैं वर्ड्सवर्थ के पोएटिक प्रोसेस में? तो वो कह रहा है 4. नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, रिकलेक्शन, कंटेम्पलेशन एंड इमेजिनेशन. हु इज़ रॉबर्ट साउथी? रॉबर्ट साउथी कौन थे? रॉबर्ट साउथी इज़ अ ग्रेट पोएट कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज. वाट इज द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस? द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इज द फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम. ये पोएम है वर्ड्सवर्थ का इन विच ही रोट अबाउट हिज टूअर ओवर द एल्प्स. वाट इज हीरोइक कपलेट? इट इज अ पेयर ऑफ पोएटिकल लाइन्स ईच ऑफ विच हैज 5 आयाम्बिक फीट एंड एंड्स विद द सेम साउंड. वाट इज द अल्टीमेट एंड ऑफ वर्क ऑफ आर्ट? ट्रुथ इज द अल्टीमेट एंड ऑफ वर्क ऑफ आर्ट. वाट इज द डार्क लेडी? डार्क लेडी इज द पोएम ऑफ कॉलरिज. What is poetics? Poetics is a treatise on literature or art. Who is the inventor of parodies? Parodies ka inventor kaun hai? The wo hai Hegemon is the inventor of parodies. What did Plato mean by imitation? By imitation, Plato means the merry servile copying of the appearance of things instead of reality. What are the objects of artistic imitation? According to Aristotle, there are 3 objects of artistic imitation: ethos, pathos, and praxis. What does ethos represent? Ethos represents the permanent mental deposition which are revealed in human character. Or what is Michael? Michael is a pastoral poem in which Wordsworth has presented an ideal man in the guise of Ashford. What are the different parts of poetic genuses? Good sense is a body of poetic genuses. Fancy is a drapery. Notion is its life and imagination is its soul. What is organic unity? Organic unity kya hai? A coherent relation between the parts and the whole of writing in a prose or in a poetry is organic unity. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफज़ाई हो. शुक्रिया.